हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट डेट 2019 के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों परीक्षा के बाद अब सभी 12th के छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। तो दोस्तों पिछले वर्ष के रिजल्ट डेट को देखते हुए इस वर्ष मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है और परीक्षा परिणाम जो है ऑनलाइन घोषित किया जाएगा और ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट अपना देखना होगा। तो ऑनलाइन आपको रिजल्ट कैसे देखना है इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है परीक्षा जो हुई थी मार्च अप्रैल में हुई थी और परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसके लिए करवाता है। और आपको रिजल्ट देखने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट cgbsc.nic.in पे आपको जाना होगा और साइंस कॉमर्स आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट 2019 कैसे देखना है अपना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि हमने ऊपर बोर्ड की वेबसाइट बता दी है आपको, तो आपको होम पेज पे जाना है और यहाँ नीचे आके आपको रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपने पूरी करनी है। तो दोस्तों आपको एक बार छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके आपको चेक करवा देते हैं आपको कैसे रिजल्ट देखना है अपना। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, तो आपको यहाँ नीचे होम पेज पे नीचे आना है। यहाँ विद्यार्थी कॉर्नर लिखा हुआ है, यहाँ अपने परीक्षा परिणाम पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि ये प्लस दिखा रहा है, यहाँ अपने परीक्षा परिणाम पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको पूछ रहा है हाई स्कूल परीक्षा परिणाम और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम। तो दोस्तों ये 2018 का लिंक है लेकिन 2019 का रिजल्ट आती है, यहाँ 2019 का रिजल्ट हो जाएगा। ये 2018 का ये हटा देंगे और 2019 का यहाँ डाल देंगे। आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2019 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तो जब 2019 का आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद यहाँ 2019 हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और आपने मुख्य परीक्षा दी है तो मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा की पुनर्गणना आप जब करवाएंगे तो उसके बाद यहाँ ये सारे और लिंक आ जाएंगे। लेकिन 2019 के रिजल्ट आने के बाद यहाँ केवल अभी मुख्य परीक्षा दिखाएगा, तो आपने मुख्य परीक्षा पर क्लिक कर लेना है और आपको उसके बाद आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, तो आपने अपना रोल नंबर भर लेना है और यहाँ ये कैप्चा भर लेना है ये जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसमें आप अपने टोटल नंबर देख सकते हैं, विषय वार अपने नंबर देख सकते हैं और आप अपनी पर्सनल डिटेल देख सकते हैं और आप अपने नंबर एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर नंबरों के जोड़ में कोई गलती हो तो आप बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट 2019 रिलीज होती है आपके लिए हमारी वेबसाइट पे भी एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, आप वहां से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं लिंक के लिए एक जगह है, यहां पे आप लिंक आपके लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, आप उस लिंक के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th 2019 का जो रिजल्ट है पिछले वर्षों के आंकड़े हमने यहाँ लिए हैं, आप हमारी वेबसाइट पर आके इन आंकड़ों को देख सकते हैं। 2017 में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए थे और उसमें से कितने प्रतिशत लड़कियाँ थी, कितने प्रतिशत लड़के थे और कुल कितने उपस्थित छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, ऐसी हमने 2017 2016 2015 आदि का इसमें विवरण दिया है। और अगर आप रीचेकिंग वगैरह आप करा रहे हैं तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पूरा दिया है, आपको कैसे अपनी कॉपी रीचेक करानी है। और बाकी हमने इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है, आप हमारी वेबसाइट पर आके इस पूरी जानकारी को देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट 2019 से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।